Good morning student. Today ENV कौन सा subject करेंगे हम? Today teach ENV chapter number 12. अभी हमने 11 किया था plants. अब हम करेंगे animals. Chapter number 12 animals around us. Animals around us. Animals around us. हमारे चारों तरफ animals देखे आपने, cow, dog, cat, जो यहाँ पे अपने आजू बाजू रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Domestic animals. Animals कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल. जो हमको हमारे लिए यूजफुल होते हैं और हमारे चारों तरफ होते हैं उनको हम कौन से एनिमल्स कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. और जो जंगल में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. तो ये आपका ये सबके पास वाली बुक है ना, घर में इसको इसमें से रीडिंग लगाने का है. ओके ओके चैप्टर नंबर 12 कौन सा करना है रीडिंग? हाँ निकालो चैप्टर नंबर 12 कौन सी बुक है? ENV एनवायरमेंटल साइंस. यू कैन सी मेनी एनिमल्स इन ए पार्क और गार्डन. आपने एनिमल्स कहाँ देखे हैं? पार्क में देखे हैं, गार्डन में देखे हो, और कहाँ देखते हो? जू में देखते हो. कहाँ देखते हो? जू में. हाँ ओपन करके रखो. ठीक है. यू कैन सी मैनी एनिमल्स इन ए पार्क और ए गार्डन. यू कैन सी डॉग्स और काउज मॉन्कीज मे बी जंपिंग ऑन अ ट्री. आपने देखा होगा घर के चारों तरफ जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको कौन से एनिमल्स अधिकतर दिखते हैं? डॉग. डॉग्स दिखते हैं ना. और कौन से दिखते हैं? काउ. काउ भी दिखती है कि नहीं दिखती सबको? और कहीं कहीं जाते हो तो आपको मॉन्कीज भी दिखाई देते हैं ना. मॉन्कीज कहाँ रहते हैं? पेड़ पे. कहाँ रहते हैं मंकी? पेड़ पे. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे या घर एक घर से दूसरे घर पे क्या करते हैं मंकी? जंप करते हैं. क्या करते हैं? कोई बात नहीं मैडम. आपको सबकी स्पेलिंग लर्न बाय हार्ट ही होनी चाहिए.
D-O-G dog. D-O-G dog. C-O-W cow. C-A-T cat. C-A-T cat. Cat. G-O-A-T goat. G-O-A-T goat. S-H-E-E-P sheep. S. Horse. H-O-R-S-E horse. ठीक है, फिर यहाँ पे वाइल्ड एनिमल में क्या आता है, एल आई ओ एन लायन। लायन कहाँ मिलता है हमको, जंगल, जंगल में मिलता है, लिव्स इन ए जंगल। शेर भी जंगल में मिलता है। शेर को, लायन को हिंदी में शेर कहते हैं, एल आई ओ एन लायन। टी आई जी ई आर टाइगर, और टाइगर जो होता है वो हमारा कैसा एनिमल होता है, नेशनल एनिमल होता है। टाइगर कैसा एनिमल होता है, नेशनल एनिमल। लायन, लायन टाइगर मंकी, मंकी डियर, डियर यानी हिरन, डियर, डियर यानी, डियर यानी भालू, भालू, डियर यानी भालू। और सी एनिमल कौन से होते हैं, फिश, व्हेल, स्टार फिश, समझ गए। ये देख लीजिए फिर, अभी टाइम है, कहा ना मैंने, ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद, ऐसा मेरे पास है पर मेरे पास।
सामने देखिए ब्लैक बोर्ड पे। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फार्म्स में रहते हैं। सम ऑफ देम वर्क फॉर अस और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो वर्क भी करते हैं। वी गेट फूड डेयरी मिल्क वी गेट फूड सच एज एग्स from some of them। तो कौन से हैं? हैं जो होती है वो हमको क्या देती है? Eggs and meat। Hens जो होती है hens हमको क्या देती हैं? Eggs and meat। Okay? Hen हमको क्या देती है? Eggs and meat। और कैमल का यूज किसमें किया जाता है? कैमल हमको मिल्क और मिल्क कौन देते हैं? काउ गोट ये क्या देते हैं? गिव्स अस मिल्क। ओके और कैमल हॉर्स राइडिंग की जाती है और कैरी लोड ये प्लेस में अंदर चले जाते हैं लगा देती हूँ। ठीक से बैठ जाओ। वी यूज कैमल्स टू कैरी लोड्स सामान उठाने के लिए किनका यूज किया जाता है? कैमल का और हॉर्स का यूज किया जाता है। कैरी लोड ऋषभ ठीक से बैठ जाओ। आदर्श यहाँ बैठ जाओ। चलिए कुछ प्लांट कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हमको एग्स देते हैं मिल्क देते हैं मीट देते हैं। हैं जो होती है वो हमको एग्स और मीट देती है। काउ जो होते हैं वो हमको क्या देते हैं? काउ गोट बफेलो ये हमको क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। मिल्क से बटर चीज कर्ड घी ये सब बनता है। कैमल और हॉर्स जो होते हैं वो सामान को ढोने के लिए यूज करते हैं। उनमें राइडिंग भी की जाती है। उनका यूज किसमें किया जाता है? कस के मार दूंगी उनका यूज किसमें किया जाता है? कैरी लोड्स और राइडिंग में किया जाता है। इधर आ जा नहीं तो बैठ जाएगा। नहीं सब सामान बैग में रख। ये ऋषभ इधर आ जा उसको अकेले बैठने दे। एक बेंच छोड़ के एक बोला है ना आप वहाँ जा रहे बैठ जा। ऋषभ इधर आ बस अलग अलग बैठा सर उसके बाद आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स दे हैव सिक्स लेग सम ऑफ देम हैव विंग्स विंग्स फॉर फ्लाइंग। और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें पंख लगे होते हैं उनका हम क्या कहते हैं? विंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? विंग्स विंग्स अभी
कहीं नहीं जाना है, ये मेरा वीडियो बना जाएगा उसके बाद ही रह जाना। टाइम लग रहा है, आप शांति से बैठो तो जल्दी हो जाएगा। बैग हैंग करने को कहा, बैग उतार लो, बैग उतारो। इंसेक्ट्स, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, आप ही का चैप्टर है, मेरा नहीं है, आप ही को कल करके लाना है होमवर्क में। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या आता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखा सबने, बटरफ्लाई बटरफ्लाई आंट, बटरफ्लाई आंट, कॉकरोच, कॉकरोच कॉकरोच हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मॉस्किटो, 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 ओके। और ये इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं, इनके कितने लेग्स होते हैं, सिक्स लेग्स। कितने लेग होते हैं, सिक्स। आपके कितने लेग्स हैं, टू। कितने लेग्स हैं आपके पास, टू, टू, टू लेग्स हैं। और इंसेक्ट्स के पास तो कैसे हवा में उड़ रहा है, आपके पास लेग नहीं है, ये लेग्स नहीं है आपके पास, ये जिसे हम चलते हैं वो लेग्स नहीं है आपके पास, फिर तो इंसेक्ट्स के पास कितने लेग्स होते हैं, सिक्स। कितने लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स के पास, सिक्स लेग्स होते हैं। और उनके पास उड़ने के लिए क्या होता है, विंग्स फॉर फ्लाइंग, क्या होता है, विंग्स, विंग्स फॉर फ्लाइंग। उड़ने के लिए क्या होता है, उनके पास पंख होते हैं, आप उड़ सकते हो, नहीं आपके पास विंग्स है, जैसे बर्ड्स की भी चिड़िया भी उड़ती है तो उनके पास क्या होते हैं, फेदर्स, क्या होते हैं, फेदर्स, क्योंकि वो फेदर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो ऐसे से उड़ते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेदर्स। और जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मच्छर, देखा है मच्छर, हाँ, उसके बाद छोटे छोटे पंख होते हैं, वो होते हैं, तो छोटे छोटे पंख होते हैं उनको हम, जो छोटे होते हैं उनको हम विंग्स कहते हैं, और जो बर्ड के पास होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फेदर्स, क्या बोलते हैं, फेदर्स, ओके। अब जैसे ये बर्ड्स भी आया, तो बर्ड्स में क्या, बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, दे हैव टू लेग्स, दे हैव हैड बीक्स। अब बर्ड्स आते हैं, जैसे इंसेक्ट्स के मैंने कितने लेग्स बताए, कितने लेग्स बताए, सिक्स लेग्स बताए इंसेक्ट के, और हमारे कितने लेग्स हैं, टू, हमारे पास कितने लेग्स हैं, टू। और ऐसे बर्ड्स के पास कितने लेग्स होंगे, बर्ड चिड़िया के पास कितने लेग्स होते हैं, टू, कितने लेग्स होते हैं, टू। और उनके क्या होते हैं, फेदर्स, क्या होते हैं बर्ड्स के पास, फेदर्स। और बर्ड्स खाना खाना खाती है उसको क्या कहते हैं, पीक, उसकी चोंच लगी रहती है ना, हम करती है, करती है ना, उसको क्या बोलते हैं, बीक, क्या बोलते हैं, बीक। तो कौन कौन सी बर्ड होती है, इंसेक्ट हो गया, और बर्ड्स, बर्ड्स और लिखा दूं, फिर सुनाई बाद में, बर्ड्स, बर्ड्स के क्या क्या होते हैं, फेदर्स, क्या होते हैं, फेदर्स भी कह सकते हो, उनको उड़ने के लिए क्या लगे रहते हैं, विंग्स। और उनके कितने लेग्स होते हैं, टू लेग्स, टू लेग और वन बीक, बीक यानी चोंच, ठीक है। अब बर्ड्स कौन कौन सी होती है,
जी ये पापा सीजन फोर नंबर पे आता है क्रो। क्रो देखा है काउ काउ करता है देखा है फिर पीकॉक। फाइव नंबर पे क्या है क्या है पीकॉक। आपको फाइव नेम्स याद करने पड़ेंगे बर्ड्स के भी ठीक है। ये समझ में आया कर्म देखो बर्ड्स में जो होते हैं उड़ने के लिए फैदर्स होते हैं और विंग्स होते हैं उनकी कितने लेग्स होते हैं टू लेग्स होते हैं और वन बीक होते हैं जिससे वो खाना खाते हैं। पैरट स्पैरो पिजन क्रो पीकॉक। चैप्टर नंबर 12 अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट करिए इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। स्टे सेफ स्टे हेल्दी।